नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज राजभवन शिमला में आयोजित गरिमा पूरण समारोह में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में श्री अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और श्री जयप्रकाश काल्टा को आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कि मैं जी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। जय प्रकाश काल्टा, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकगीतों, एकांकी और लघु नाटकों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व की 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय लोक गायकों और लोक कलाकारों को शामिल करने पर विचार कर रही है। ये पहला अवसर था जब राज्य सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूरे राज्य के लोक कलाकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राजत्व का 50 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 50 years of statehood। हम इस बार जो है इस स्टेटहुड के कुछ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। एक तो स्वर्ण जयंती रथ यात्रा हिमाचल प्रदेश में हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल की इस विकास यात्रा का जिक्र होगा डॉक्टर YS परमार से लेकर अब तक, हिमाचल तब और हिमाचल अब, इस सारे विषय को लेकर के सारी डिटेल बातचीत जो है वो हम आपस में जो आपसे साझा कर रहे हैं उसको स्वर्णिम रथ यात्रा के माध्यम से आम जनता पहुंचाने के लिए एक प्रयास ये होगा सीधा कनेक्ट, और उसमें जो विषय होगा प्रमुख रूप से ये हिमाचल के, आज के हिमाचल को जिस रूप में हम देख रहे हैं, इस हिमाचल में कुछ लोगों का ही योगदान नहीं है, हिमाचल के हर वासी का इसमें योगदान है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो उसको समर्पित करना है। दूसरे अलग अलग रीजन में हमारे हिमाचल की मुश्किल यह है कि एक स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, एक भाषा नहीं है। कांगड़ा में जाएंगे तो कांगड़ा की भाषा में गीत होते हैं, चंबा में जाते हैं तो चंबा का कल्चर अलग से है, कुल्लू जाएंगे तो कुल्लू का अलग से है, मंडी में जाएंगे तो मंडी का अलग से है, मंडी में भी जो हमारा ऊपर का सराज का इलाका आता तो वहाँ का थोड़ा अलग है, और ऐसे में शिमला का अलग है, सिरमौर का अलग है। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप उसमें जो अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने हिमाचल प्रदेश की जो पुरानी धरोहर हैं उन सारी चीज़ों को संकलित करते हुए, उनका संकलन करते हुए उनको, उन पर लेखन करें, लेखन के साथ साथ में फिर उस पर हम लोकल लैंग्वेज तो नहीं, वो जो डायलेक्ट है हमारी, जो डायलेक्ट है हमारी, उन डायलेक्ट में जो अलग अलग रीजन के जो हमारे गीत रहते हैं, उन छोटे छोटे गीत जो है वो उस एरिया में जब हमारी रथ यात्रा जाए, इस हिमाचल की इस विकास यात्रा का, इस गाथा का प्रस्तुतिकरण लोगों के सामने से सहज करें, सरल करें और बहुत बेहतर ढंग से। आर्टिस्ट जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन समाज में देता है, चीज़ों को थोड़े शब्दों में समझाने के लिए, लोगों को कठिन विषय को सरल करके समझाने के लिए जो भूमिका कलाकारों की रहती है, उस भूमिका में आप सब अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्षों के समारोह को शानदार तरीके से आयोजित कर रही है। प्रदेश भर में लोगों को राज्य की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए 51 राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राज्य की विकासात्मक यात्रा की झलक प्रस्तुत करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोक कलाकारों से स्थानीय भाषा में गीत और नाटक तैयार कर 5 अप्रैल 2021 तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इससे सरकार को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा इस पूरे कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित कर राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार कलाकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और स्थानीय समारोहों और कार्यक्रमों के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कलाकारों से प्राप्त रचनाओं की छटनी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसे स्वर्णिम रथ यात्रा और कार्यक्रमों के दौरान उपयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के समक्ष नीति आयोग के साथ रिबिल्डिंग इंडिया इनिशिएटिव के संबंध में पेटोनिक इन्फोटेक के सह संस्थापक श्री यशराज भारद्वाज और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के गारवुड सेंटर फॉर कॉरपोरेट इनोवेशन के कार्यकारी निदेशक श्री सोलोमन डार्विन ने प्रस्तुति दी। इस अवसर पर श्री सोलोमन डार्विन और श्री यशराज भारद्वाज ने मुख्यमंत्री को रीसेटिंग द ज्वेल इन द क्राउन पुस्तक भी भेंट की। श्री जयराम ठाकुर ने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए श्री डार्विन और श्री भारद्वाज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक आर्थिक विकास और रणनीतियों के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विशेषकर उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो अभी तक किन्हीं कारणों से विकास के मामले में पीछे रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने राज्य की आर्थिकी पर विपरीत प्रभाव डाला है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस संकट के समय में भी प्रदेश के विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखा। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं रखी। उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपयों की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने वर्तमान सरकार को भरपूर सहयोग दिया है, जो हाल ही में हुए पंचायती राज चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत से साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि दिवंगत श्री रामस्वरूप शर्मा के निधन से मंडी विधानसभा क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरा सहयोग दिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रामपुर क्षेत्र के 15 प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश में स्वास्थ्य, कला और संस्कृति केंद्र विकसित करने की अवधारणा देवलोक पर आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के समक्ष प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुश्री दीपा साही ने एक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति से भली भांति अवगत है और इस महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में कोविड के लिए अब तक 1,25,811 नमूनों की जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 10,381 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 10,197 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 129 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक सैंपल पॉजिटिविटी दर 8.25% और मृत्यु दर 1.24% है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सभी जगह तैयारियां ठीक प्रकार से हुई, उसके लिए आज हम मंडी जिला का हमने रिव्यू यहां पर किया और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि एक्टिव नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ के मंडी जिला में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मामले पिछली तुलना में बढ़े। इसलिए जो हमने एक अरेंजमेंट, जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का अरेंजमेंट यहाँ पर नेरचौक में शुरू किया है, जिसका काम चल रहा है, 15 अप्रैल तक उसके बनने की संभावना, तो हमने यही कहा कि उसको जल्दी से जल्दी बना करके तैयार करें, ताकि अगर मामले अगर ज़्यादा आ जाते हैं इस बीच में, तो हम चाह रहे हैं कि जो नेरचौक का जो मेडिकल कॉलेज है उसको डेडिकेट करें जो जनरल पेशेंट है, जिनके ट्रीटमेंट के लिए उसके वो बना है उनके लिए, और पर्टिकुलरली जो हमारा ये जो मेकशिफ्ट जो अरेंजमेंट के तहत जो हॉस्पिटल बन रहा है, तो यहाँ पर ही कोविड के मामलों का ट्रीटमेंट हो अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो इस दृष्टि से हमारे पास सारी चीज़ें ठीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वैक्सीनेशन का काम अच्छा चल रहा है और सीनियर सिटीजन में पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला नंबर एक पर है जो वैक्सीनेशन के इसमें काम में, तो कुल मिलाकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,835 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 42 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,789 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12 लाख
13,047 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,49,862 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 61,142 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 58,615 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,495 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।